India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के हालात पर की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तलब। वादी के वकील कोलिन गोंसाल्वेस ने कहा, मणिपुर में स्थिति खराब हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हाईटेक और लगभग पेपरलेस हुआ सुप्रीम कोर्ट। अदालतों के कक्षों में बड़ी एलसीडी लाइब्रेरी हुई डिजिटल। वादियों, वकीलों और मीडिया कर्मियों के लिए फ्री वाईफाई। आप विधायक अमानतुल्ला खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। खान ने याचिका में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उसे बेवजह हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट भी नहीं कर रहा अपील पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, तीन अन्य आरोपियों को भी नहीं मिली बेल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, विशेष न्यायाधीश का आदेश तर्कसंगत। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन मसलों पर जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य में मैतई और कुकी समुदाय के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने, सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास शिविर के लिए उठाए गए कदमों, बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अगले सोमवार को विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई को तय की है। मणिपुर हिंसा पर केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति में धीरे धीरे ही सही सुधार हो रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, इसमें पुनर्वास शिविर, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और हथियारों की बरामदगी जैसे विवरण होने चाहिए। एक संक्षिप्त सुनवाई में शीर्ष विधि अधिकारी ने सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि अब 24 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दी गई है। मामला जब शुरू हुआ तो मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से पेश सीनियर वकील डॉक्टर गोंसाल्वेस की मणिपुर में स्थिति खराब हो गई है। हालांकि इसका विरोध भारत के सॉलिसिटर जनरल ने किया, जिन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती और राहत शिविरों की स्थापना के मद्देनजर स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू को घटाकर प्रतिदिन 5 घंटे कर दिया गया, जो सुधार का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि कुकी समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोंसाल्वेस को चाहिए कि वो मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दें। गोंसाल्वेस तर्क दिया कि एक उग्रवादी एक समाचार कार्यक्रम में आए और कहा कि वो कुकी समूह का सफाया कर देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुकी समूह के खिलाफ हिंसा राज्य द्वारा प्रायोजित थी। शीर्ष अदालत के पास मणिपुर की स्थिति को लेकर कई याचिकाएं हैं। इनमें सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक द्वारा दायर याचिका शामिल है, जिसमें मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। एक अन्य याचिका में पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा की जांच SIT विशेष जांच दल से कराने की मांग की गई है। ये याचिका एक आदिवासी गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर की गई है। गैर सरकारी संगठनों में से एक मणिपुर ट्राइबल फोरम ने मणिपुर में अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सेना सुरक्षा और उन पर हमला करने वाले सांप्रदायिक समूह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने 20 जून को याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, जिसे प्रशासन को देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट हाईटेक और पेपरलेस हो गया है। सर्वोच्च अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 5 तक पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई है। साथ ही यहां कई डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं। इनमें से किसी भी कोर्ट रूम में पीठासीन न्यायाधीशों के लिए फिजिकल फाइलें नहीं रहेंगी। हर एक व्यक्ति लैपटॉप या आईपैड पर काम करेगा, जिसमें सभी सूचीबद्ध मामलों की डिजिटल जानकारी मौजूद होगी। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट सत्र 2023 के दौरान ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई से पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत हो गई। इस पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग होने से न्यायाधीशों के लिए पॉपअप स्क्रीन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों पेपरलेस ग्रीन कोर्ट ने ले ली है। इसने एक डिजिटल लाइब्रेरी कानून से संबंधित पुस्तकों की जगह ले ली है। 73 सालों के इतिहास में अब भारतीय न्यायपालिका के पूरी तरह से हाईटेक होने की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली 3 कोर्ट ग्रीन हाईटेक कोर्ट बनी है। अब ना फाइलें होंगी, ना कोर्ट रूम में पिछले 50 सालों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की किताबें यहां नजर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस हाईटेक शुरुआत को CJI DY चंद्रचूड़ की नई पहल के रूप में देखा जा रहा है। अदालतों के कक्षों में बड़े LCD लगाए गए हैं और वकीलों के लिए भी हाईटेक सुविधाएं शुरू की गई हैं। कंप्यूटर के जरिए कागजात जजों को दिखाए जा सकेंगे। जज भी कानून की किताबों की जगह डिजिटल तरीके से विभिन्न फैसले देख सकेंगे। कोर्ट 1 से 5 के अलावा कॉरिडोर, मीडिया रूम, वेटिंग रूम आदि में वादियों, वकीलों और मीडिया कर्मियों के लिए वाईफाई की शुरुआत की गई है। इस बीच देखा जाए तो गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के दिन यानी 3 जुलाई से जजों और वकीलों को कोर्ट परिसर में बदलाव नजर आया। इस तरह का बदलाव अभी कुछ कोर्ट में किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये धीरे धीरे अन्य अदालतों में भी नजर आएगा। डॉक्यूमेंट्स तक आसान पहुंच के लिए न्यायाधीशों के पास दस्तावेज दर्शक तकनीक भी होगी, जिसके उपयोग से दस्तावेज को मशीन पर रखा जा सकता है और वकील अपनी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। वकीलों के पास फाइलें और दस्तावेज पढ़ने के लिए स्मार्ट स्क्रीन होंगी। अदालत कक्षों में बदलाव का सुझाव प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिया था, जो चाहते हैं कि अदालतें अधिक तकनीक अनुकूल बन सकें। वो ये भी चाहते थे कि अदालती कार्यवाही कागज रहित हो। सुप्रीम कोर्ट ने कागज बचाने के लिए ऑनलाइन पर्चियां जारी करने की भी योजना बनाई है। आमतौर पर सभी न्यायाधीशों के लिए फिजिकल केस फाइलें तैयार की जाती हैं और फिर उन्हें हर दिन सुबह संबंधित अदालत कक्ष में भेजा जाता है। अब 3 अदालत कक्षों में कोई भी फिजिकल फाइल नहीं भेजी जाएगी और उनमें बैठने वाले न्यायाधीशों को मामले की फाइलों को डिजिटल रूप से पढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा तक मांग लिया है। मामला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या RRTS के निर्माण से जुड़ा है। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही इसके निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जता दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आप सरकार को ही घेर लिया। दिल्ली में RRTS के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग से संपर्क आसान हो जाता। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराए। इस पर जस्टिस SK कॉल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराए। दिल्ली सरकार के वकील ने 2 जजों की बेंच को बताया कि धन की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप चाहते हैं कि हम जाने कि आपने कौन सी राशि कहाँ खर्च की। विज्ञापन के लिए सारी धनराशि इस परियोजना के लिए खर्च की जाएगी। आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए कोष देने में असमर्थता जताई है। चूंकि इस परियोजना में धन की कमी एक बाधा है, इसलिए हम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं, जिसमें विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्यौरा दिया जाए। क्योंकि ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसमें पिछले वित्तीय वर्षों का ब्यौरा दिया जाए। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। आप विधायक ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे दिल्ली पुलिस ने बेवजह हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा है। हाईकोर्ट भी उसकी अपील पर सुनवाई नहीं कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हिदायत देते हुए कहा कि वो बताए कि आप विधायक को किस बिना पर हिस्ट्री शीटर बनाया गया है। आप विधायक को पिछले साल दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया था। अमानतुल्ला खान ने अपनी रिट में कहा कि उसके खिलाफ कुल 18 मामले दर्ज हैं, 14 में अदालतें उसे बरी कर चुकी हैं। उसे आज तक किसी भी केस में दोषी करार देकर सजा नहीं सुनाई गई है। अपने खिलाफ दर्ज हुए हर केस में वो पुलिस के समन पर हाजिरी लगाता रहा। कभी भी किसी केस में पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित नहीं किया, तो फिर एक जनप्रतिनिधि को दिल्ली पुलिस हिस्ट्री शीटर कैसे घोषित कर सकती है। आप विधायक का कहना है कि उसने दिल्ली हाईकोर्ट के पास दरख्वास्त देकर अपील की थी कि उसे दिल्ली पुलिस के पास अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाए, लेकिन इसी साल हाईकोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया था। विधायक का कहना है कि वो जन प्रतिनिधि है, दबे कुचले लोगों की लड़ाई अक्सर लड़ता रहता है, इसी वजह से पुलिस उसके ऊपर केस दायर कर देती है। विधायक का कहना है कि उसे पहले हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया, फिर ये बात सोशल मीडिया पर फैला दी गई, इससे उसकी बड़ी फजीहत हुई। जो अपराध उसने कभी किया ही नहीं, उसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट उसके साथ न्याय करे, दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से उसकी छवि धूमिल हो रही है। अगर कोर्ट न्याय नहीं करेगा तो लोग उसे गलत ही समझते रहेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में द वायर के संपादक और उप संपादक के खिलाफ 2017 में एक ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश को रद्द किया था। सिंह ने 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अप्रैल 2016 में वायर के उप संपादक अजय आशीर्वाद महाप्रस्थ द्वारा लिखे गए एक लेख का उल्लेख किया था। सिंह ने दावा किया कि लेख में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक डोजियर तैयार किया था, जिसमें कथित तौर पर JNU को संगठित
सेक्स रैकेट के अड्डे के रूप में दिखाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संपादक ने डोजियर की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की और सिंह की प्रतिष्ठा का हनन करते हुए इसका इस्तेमाल अपनी पत्रिका के मौद्रिक लाभ के लिए किया। 2017 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन अदालत ने वायर के संपादक सिद्धार्थ भाटिया और उप संपादक अजय आशीर्वाद के खिलाफ समन आदेश पारित किया था। मार्च 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समन आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सीमित पहलू की क्या डोजियर सबमिट किया गया था और यदि किया गया था तो इसका क्या प्रभाव और किसने सबमिट किया था कि जांच करने के लिए जेएनयू को नोटिस भी जारी किया। सिंह ने स्वयं डोजियर प्रस्तुत किया था या नहीं, इस बारे में अस्पष्टता के कारण विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में जस्टिस कॉल ने कहा, क्या आपने डोजियर जमा किया? मानहानि तब होगी जब आपके द्वारा कुछ जमा नहीं किया गया है और इसका श्रेय आपको दिया गया है। सिंह के वकील ने शुरू में सकारात्मक दलील दी, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि सिंह ने डोजियर जमा नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि इसके विपरीत वो डोजियर की सामग्री का खंडन करती हैं। उन्होंने कहा, डोजियर को सत्यापित किए बिना वो इसे अखबार में प्रकाशित कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश जस्टिस अनूप जयराम भनभानी ने आपराधिक शिकायत पर ध्यान दिया था और राय दी थी कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सिंह के खिलाफ मानहानिकारक माना जा सके। हाईकोर्ट ने कहा था कि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि लेख सिंह के खिलाफ कुछ भी कहता है, मानहानिकारक तो बिल्कुल भी नहीं। बयान से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सह आरोपी व्यक्तियों हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, आपके संचार प्रभारी विजय नायर और पन्नोल रिकॉर्ड इंडिया के महाप्रबंधक बेनोय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने वाला विशेष न्यायाधीश का आदेश तर्कसंगत है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर पारित किया गया। इसके अलावा जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि अदालत ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने पिछले महीने अपनी पत्नी की खराब स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की अर्जी को भी खारिज कर दिया था। जस्टिस शर्मा ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और उनके द्वारा संभाले गए पदों को नहीं भुलाया जा सकता। आप नेता को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी का मानना है कि वर्ष 2021 से 22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में अनियमितताएं हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और सबूत मिलने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया कि सिसोदिया और अन्य ने टेंडर के बाद लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के संबंध में सिफारिश करने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर ईडी का आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक कारोबार में 12% का मुनाफा देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों के समूह जीओएम की बैठकों के मिनटों में ऐसी किसी शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 या पोष उन मामलों में भी लागू है जहां शिकायतकर्ता और उत्पीड़क विभिन्न विभागों में काम करते हैं।
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा, पोश अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके दायरे को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां एक महिला कर्मचारी का उसके ही कार्यालय में काम करने वाले किसी अन्य कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है और जहां दोषी कर्मचारी कहीं और कार्यरत है वहां इसके आवेदन पर रोक है। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर पोश अधिनियम के प्रावधान केवल उन्हीं विभागों में काम करने वाले लोगों तक सीमित हैं, तो यह कानून की जड़, इसके लोकाचार और दर्शन पर प्रहार करेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे युग में जहां महिलाएं हर पेशेवर उपलब्धि में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, पोश अधिनियम के उद्देश्यों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, अधिनियम के प्रावधानों की कोई भी व्याख्या जो इसके उद्देश्यों की पूर्ण उपलब्धि और कार्यान्वयन को कम करती है या बाधित करती है, उसे दृढ़ता से त्यागना होगा। न्यायालय ने आंतरिक शिकायत समिति ICC द्वारा जारी एक बैठक नोटिस को चुनौती देने वाली भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता डॉक्टर सोहेल मलिक को एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद नोटिस जारी किया गया था। नोटिस को सबसे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई थी, हालांकि कैट ने मलिक को याचिका खारिज कर दी। पोश अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना है और उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। इस कानून पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल वेब की रिपोर्टर। क्या आपको पता है 38% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट देयर वर्कप्लेस। आम तौर पे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 77% ऑफ वुमेन आर वर्बली हैरेस्ड व्हाइल 51% आर टच्ड विदाउट परमिशन। सो व्हाट इज हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस? ये एक बहुत सीरियस इशू है जो एक एम्प्लॉय की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है, एंड नॉट ओनली दिस बट उसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स को भी। इंडिया में ऐसी कई लीगल प्रोविजंस हैं जो आपको वर्कप्लेस हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013। इसे आमतौर पे पॉश एक्ट भी कहते हैं। इंडिया में वर्कप्लेस हैरेसमेंट की पनिशमेंट ऑफेंस की सिवियरिटी पर डिपेंड करती है। इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी, उसे 3 से 5 साल तक की कैद और फाइन हो सकता है। एम्प्लॉयर को भी अक्यूज्ड के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, जिसमें वो उसका एम्प्लॉयमेंट भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो सही है मत, आवाज उठाइए। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।